मध्य प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल पर चली गई है। 6 दिवसीय चलने वाली यह हड़ताल अब 28 जनवरी तक चलेगी। दूसरी तरफ 70,000 से ज्यादा बिजली कर्मी भी अपनी मांगों को लेकर मंगलवार से हड़ताल पर जा सकते हैं। तस्वीरों में दिख रही ये महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है जो काम बंद कर सड़क पर उतर आई है। दरअसल प्रदेश की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता विभिन्न मांगों को लेकर अब हड़ताल पर चली गई है। इंदौर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तालाबंदी कर कलेक्ट्रेट चौराहे पर बड़ी संख्या में हड़ताल पर बैठ गई और जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रही है। वहीं शाजापुर में भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर काम बंद कर हड़ताल पर बैठ गई। 6 दिनों तक चलने वाली हड़ताल 28 जनवरी तक चलेगी, लेकिन सरकार अगर मांगे पूरी नहीं करती है तो आने वाले दिनों में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी गई है। 23 तारीख से 28 तारीख तक ताला बंद हड़ताल रखी जाएगी और सभी योजनाओं पे काम नहीं किया जाएगा जब तक के माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी मांगों को पूरा नहीं करते। वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में ब्लैकआउट के हालात बन सकते हैं, क्योंकि 70,000 से भी ज्यादा बिजली कर्मी यूनाइटेड फोरम फॉर पावर एम्प्लॉयज एंड इंजीनियर्स के बैनर तले मंगलवार से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन शुरू कर सकते हैं। संगठन ने आंदोलन से पहले सरकार के प्रतिनिधियों से बातचीत का रास्ता खुला होने की बात भी कही है।